तो ये देखिए, हम लोग हीको पार्क में एक 3D व्यू देख रहे हैं। तो इस तरह का आपका पार्क है। और नेक्स्ट वीडियो 3D इमेज पे चलते हैं। ये यूको पार्क के बीचों बीच कुछ कॉटेज है, आइलैंड की तरह बना हुआ है। तो इस कॉटेज में आप रह भी सकते हैं, और उसमें जाने का रास्ता है, उसी का 3D व्यू है। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ कुछ रेप्लिकास बना हुआ है जो कि देखने लायक है। वर्ल्ड फेमस जितने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं, उनका रेप्लिकास बना हुआ है। तो ये भी आपका देखने के लिए बहुत अच्छा खूबसूरत जगह है। अब आइलैंड के बीचों बीच का एक व्यू मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ आपको ये जो बोट की तरह है, इसमें आप एक रेस्टोरेंट है, तो इसमें आप खाने का मजा ले सकते हैं। और ये सारे जो हैं कॉटेजेस हैं, इसमें आप रह सकते हैं। तो ये भाड़े में मिलता है, एज इफ कॉटेज के हिसाब से। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट प्रोजेक्ट के पास चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जैन ड्रीम वन। तो ये जैन ड्रीम वन है। तो जैन ड्रीम वन के लोकेशन मैं बता देता हूँ। तो अभी इस तरफ आप इको पार्क देख रहे थे, यहाँ इकोज है, ठीक उसके उल्टे तरफ जैन ड्रीम वन है। तो अगर आप जैन ड्रीम वन में घर लेते हैं, तो यहाँ से भी आपको इको पार्क का व्यू दिखता है। यहाँ कोई एनक्रोचमेंट नहीं है, क्योंकि ये फार्म लैंड है ज्यादातर। तो यहाँ से आपको इको पार्क का पूरा व्यू दिखेगा। और इस तरफ आपका जैन ड्रीम वन का, इस तरफ आपका, इस तरफ इस ये है आपका वेस्टिन होटल। तो इस तरफ आपका वेस्टिन होटल भी मिलता है, और यहाँ पर आपका मेट्रो स्टेशन भी है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन में ये जैन ड्रीम वन है। जैन ड्रीम वन का दूसरा एक एडवांटेज ये है कि जैन ड्रीम वन आपका ये वाला, इसको बोलते हैं MAR रोड। तो ये रोड का कनेक्टिविटी मिलता है, साथ में इस रोड का भी कनेक्टिविटी मिलता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट रोड है। तो दोनों रोड जाकर आकांक्षा मोड़ में ये कनेक्ट करती है दोनों रोड। तो ये देखिए, ये आकांक्षा मोड़ है, ये दोनों रोड आकांक्षा मोड़ में जाके कनेक्ट करती है। और ये पैरेलली दो रोड अभी तक चल रही है। तो ये दोनों रोड एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये रोड इस तरफ अगर आते हैं, तो यहाँ इको स्पेस में कनेक्ट करता है, जो कि एक ऑफिस एरिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इस तरफ भी कुछ प्रोजेक्ट्स देखेंगे, उस समय आपको पता लग जाएगा। तो ओवरऑल देखिएगा तो जैन ड्रीम वन का दो कनेक्टिविटी हो जाता है। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे है। तो जैन ड्रीम वन आपका लोकेशन के लिहाज से ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप न्यू टाउन को देखिएगा, पूरा न्यू टाउन को देखते हैं, पूरी की तरह पूरा न्यू टाउन को अगर आप लेते हैं, तो वहां बीचों बीच आपको जैन ड्रीम वन दिखेगा। ये जैन ड्रीम वन ऑलमोस्ट बीचों बीच है। तो इसके इस हिसाब से भी जैन ड्रीम वन का एक इम्पोर्टेंस है लोकेशन के हिसाब से। तो जैन ड्रीम वन में क्या क्या है, ये जैन ड्रीम वन जैन ग्रुप से बना हुआ है। जैन ग्रुप एक बहुत बड़ा बिल्डर है, एक भरोसेमंद बिल्डर है, जो कि ईस्ट इंडिया में काफी सारे इनके प्रॉपर्टीज हैं, और इनका पुराना रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये अभी तो खैर ये नॉर्मल सा हो गया, बहुत सा नॉर्मल सा हो गया, एकदम नॉर्मल तो नहीं है कि आपका ऑटोमेशन से घर चलता है। ये जो है, आप घर के अंदर जाते हैं तो लाइट ऑन हो जाता है, घर के बाहर आते हैं तो लाइट ऑफ हो जाता है, रिमोट कंट्रोल से आपका पर्दा उठ जाता है, पर्दा गिर जाता है, या फिर आपका सारे कुछ ऑटोमेटिक जो होता है। ये ऑटोमेशन सिस्टम जैन ड्रीम वन पहला, वन ऑफ द फर्स्ट प्रॉपर्टीज था कोलकाता में जो लाया था। अभी ये ऑटोमेशन बहुत से जगह में मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी ये एक नयापन है यहाँ पे। और इसका और जो खासियत है, ये इसमें रूम साइज बहुत बड़े बड़े मिलेंगे आपको। तो नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है इसका रूम साइज, और इसमें आपको 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, इवन 5 BHK मिल जाएंगे। और G+14 है इसका एलिवेशन, 232 यूनिट्स है, 3.2 एकर्स है, 70% ओपन स्पेस है। और इसमें
इसमें प्राइसिंग का बात करें तो 2 BHK आपका लगभग 65-66 लाख में आ जाएगा और 3 BHK 85-90 लाख के आसपास आएगा। तो ओवरऑल आपका सब कुछ यहाँ पर मेंशन है। अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो हमको हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका जैन ड्रीम वन में एक और बढ़िया कॉन्सेप्ट है, होटल अपार्टमेंट, जिसमें कि आपका इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सही होगा। अगर होटल अपार्टमेंट के बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमसे डायरेक्ट कॉल कीजिए, उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको बता दूंगा। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है।